हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं करने वाली हूँ कल यानी कि वेडनेसडे को 24 आवर्स वाइट फूड चैलेंज। ये चैलेंज कल सुबह के 7 बजे से लेकर नेक्स्ट मॉर्निंग के 7 बजे तक चलेगा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लाइक आपसे पहले मैंने ऐसा कभी चैलेंज नहीं किया और मैं सिर्फ वाइट फूड खाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग तक के लिए। बाय। बात हो चुकी है, अब 7:05 हो रहे हैं। हाँ, 7:05 हो रहे हैं। सो मैं चैलेंज की शुरुआत कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले ये कर्ड खा रही हूँ, बट मैं आपको बता दूँ कि मैं इसे ब्रेकफास्ट नहीं कर रही हूँ, इसे मैं एज अ डिटॉक्सिफाई फूड खा रही हूँ क्योंकि मैं डेली ही इसे खाती हूँ सुबह, तो मुझे ये इतना अजीब नहीं लग रहा। थोड़ा देर रह गया, ये पानी पी रही हूँ। तो गाइस, इसमें मैं पानी को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ 24 आवर्स फूड वाइट फूड चैलेंज में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पानी के बिना तो गाइज। अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं लेकर आई हूँ मिल्क। तो इसको मैंने इलायची डालकर बॉईल किया, देख सकते हो इलायची आई नहीं पर। तो उसके साथ मैं वाइट ब्रेड खा रही हूँ। सो वाइट ब्रेड खा रही हूँ मैं, और बस यही है मेरा ब्रेकफास्ट। वैसे मुझे इतनी भूख भी नहीं लगी क्योंकि सुबह मैंने बड़ी कटोरी भर कर खाया था कर्ड। यार मिल्क में मैंने सिर्फ इलायची डाला है तो मुझे बिना फ्लेवर के मिल्क बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको कैसा अच्छा लगता है कमेंट करके बताओ। इलायची की वजह से इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट है, अदरवाइज अगर बिना इलायची के भी हूँ मैं सीरियसली बोलूँ, मुझे ऐसा टेस्ट रहता है ना जैसे हम लोग अंडे की स्मेल नहीं होती ना, मुझे वैसा लगता है गर्म दूध का स्मेल, पता नहीं क्यों। तो गाइस, इसको मैं अभी फिनिश करके मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, मिल्क मैंने फिनिश कर दिया है और अभी इसके बाद हम लोग सीधे मिलेंगे लंच में मे बी, क्योंकि अगर मुझे भूख लगी तो मैं फिर से कुछ खाऊंगी। सो अभी टाइम जो हो रहा है वो है 8:50 हो रहा है अभी। तो अभी उसके बाद मुझे स्टडी भी करनी है, तो 1 बजे मैं सीधा लंच करूँगी अब जाकर। बट अगर मुझे उससे पहले भूख लगी तो मैं कुछ खाऊँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो मिलते हैं लंच में। गाइस वेलकम। सो मैं अभी कर रही हूँ लंच और अभी बज रहे हैं 12:45 हो चुके हैं, तो मुझे बहुत भूख लग रही है और अभी मैं लंच कर रही हूँ। मैं चाहती थी कि मैं बाहर जाकर कुछ लंच करना चाहती थी मैं बाहर, बट अभी बारिश हो रही है जिस वजह से मैं बाहर नहीं जा पाई। तो अगर शाम तक बारिश हट जाएगी तो मैं बाहर जाकर कुछ लेकर आऊँगी, तो देखते हैं बारिश हट जाए। मैं ये देख सकते हो मैं लंच में चावल खा रही हूँ और मैं इसे अब खाऊँगी। मुझे नहीं कमेंट कर बता। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ वापस और मैं अभी कर रही हूँ इवनिंग स्नैक। सो इवनिंग स्नैक में मैं खा रही हूँ पेस्ट्रीज, एज यू कैन सी। हाँ, बट इसके ऊपर जो ये चेरी लगी हुई मैं ये हटा दूँगी। एंड उसके बाद मैं खा रही हूँ ये जो पापड़ है, ये जल गए थोड़े से बट हम लोग इसे वाइट में काउंट कर सकते हैं।
इसके ऊपर जो ये लगी हुई है चेरी, मैं इसको हटा दूँगी कि हम ये नहीं खा सकते। ये आप देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया, सप्ला से लेकर फिनिश कर दिया। गाइस इट्स द टाइम फॉर डिनर, सो डिनर के लिए मैं लेकर आई हूँ वाइट हलवा एज यू कैन सी। तो मैं डिनर में ऐसे ही खा रही हूँ, तो चलिए मैं इसे टेस्ट करती हूँ क्योंकि मैं ये इतना सा रह गया है और मैं अभी इसे फिनिश करूँगी। तो गाइज मैं अपना चैलेंज यहीं पर फिनिश कर रही हूँ क्योंकि कल सुबह मैं 7 बजे के बाद ही ब्रेकफास्ट करूँगी, तो इसलिए मैं अभी वीडियो जो है यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। तो गाइज आई होप आप सब लोगों को ये चैलेंज अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने सारे सखी संबंधियों के साथ जैसे यू ज़रूर शेयर कीजिए।